ये जवान जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इनकी ट्रेनिंग हुई है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, और अपनी जान की बाजी लगाने वाले ये जवान एसएसएफ के जवान हैं, जिन्हें लखनऊ में ट्रेनिंग दी जा रही है। राम मंदिर और अयोध्या के एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं लोगों का है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर पीएसी और यूपी पुलिस के चुनिंदा जवानों को मिलाकर इस टीम को बनाया गया है। इन जवानों को हफ्ते भर की ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में कुल 280 जवान तैनात होंगे। इनमें से 80 जवान अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इन जवानों को सुरक्षा की चुनौती और उससे निपटने को लेकर जानकारी दी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को लेकर उन्हें लोकेशन और रूट मैप की भी जानकारी दी जाएगी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एसएसएफ टीम ही अयोध्या की सुरक्षा करेगी। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा यूपी विशेष सुरक्षा बल को दे दिया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा में जिन एसएसएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। जवानों के सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे एडीजी एसएसएफ के पास उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जवान है, इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, ये बताइए, इन लोगों को किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आप इन लोगों को सिखा रहे हैं? यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, वो एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए ट्रेनिंग कराया जा रहा है। ये लोग पहले एक कोर्स कर चुके हैं, इंडक्शन कोर्स 5 दिन का होता है, बटालियन में हम लोगों ने करा दिया है। ये कोर्स कराने वाले तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी है और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इनके द्वारा कराया जाता है। और वे कोर्स में ये लोग पास हो गए, और दूसरा कोर्स है उससे कठिन कोर्स है, ये एफसक बेसिक कोर्स कहा जाता है। ये 14 दिवस का कोर्स है, इसे पासिंग मिनिमम है 80%। 80% जो पास होगा वो उन्हीं लोगों को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद भी इनको एक और कोर्स कराया जाएगा, वो स्क्रीनर कोर्स है। स्क्रीनर कोर्स पर्टिकुलरली सिक्योरिटी चेक में जो विशेष इक्विपमेंट रहते हैं, DFMDA, HHMDA और एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम है, उसको चलाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। स्क्रीनर कोर्स में भी जो पास हो जाते हैं, उसके बाद ही इन लोगों का डिप्लॉयमेंट होगा। मंदिर की जो सुरक्षा जो लोग करेंगे, उनको कौन कौन से हथियार आप लोग देंगे, और वो जो बाकी जो जवान हैं जो CRPF के थे और जो सिविल पुलिस के होंगे, उनसे ये लोग किस तरीके से अलग होंगे और किस तरीके से पूरी मंदिर की सुरक्षा को संभालेंगे? सुरक्षा व्यवस्था में इस समय जो मौजूदा पीरियड है, उसमें CRPF द्वारा आइसोलेशन जोन है, वो उनके द्वारा देखा जा रहा है। इसके अलावा जो मेजर फोर्स है वो SSF है, लेकिन सिविल पुलिस भी वहाँ है, और इंटेलिजेंस वाले भी हैं, और रेडियो डिपार्टमेंट भी है, फायर सर्विस भी है, और नदी सुरक्षा PAC वाले देख रहे हैं। और विशेष रूप से SSF को ये जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मैंडेट के तहत UPSSF एक्ट 2020 के तहत एक मैंडेट मिला हुआ है, उसे पूजा स्थल सुरक्षा भी उसमें लिखा हुआ है। उसी के तहत शासनादेश निर्गत करके SSF को ये ड्यूटी दे दिया है। कौन कौन से वेपन्स होंगे जो ये लोग यूज करेंगे? जो वेपन्स है वो आधुनिक हथियार होंगे। सुरक्षा दृष्टि से कौन सा वेपन रहेगा, उसे खुलासा करना ठीक नहीं रहेगा। आधुनिक हथियार से लैस रहेंगे, और सारे वेपन उनको दे दिया गया है। इस समय हम लोग वेपन प्रोवाइड किया जा रहा है, और नए वेपन भी खरीदे जा रहे हैं, आधुनिक वेपन खरीदे जा रहे हैं। आप लोगों ने नए वेपन्स भी खरीदे हैं इस सुरक्षा को लेकर? 70,000 करोड़ रुपए के कुछ नए वेपन्स भी खरीदे गए हैं, बाहर से मंगवाए गए हैं? कुछ नए वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, प्रक्रिया इस समय प्रचलित है। कौन कौन से वेपन्स आप लोग खरीद रहे हैं, और क्या बाहर से भी आप लोग मंगवा रहे हैं, बाहर से भी मंगवाए गए हैं? जो वेपन्स खरीदे जा रहे हैं वो तो सुरक्षा की दृष्टि से एक एक करके उसको खुलासा करना ठीक नहीं रहेगा, आधुनिक वेपन खरीदे जा रहे हैं। फिर और क्या होगा इस पूरी मंदिर की सुरक्षा में जो खास होगा? जो इस समय जो व्यवस्था है, उसके पहले ड्यूटी डिप्लॉयमेंट से पहले ही हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग करा दिया है। मंदिर सुरक्षा के लिए एक विशेष कैप्सूल कोर्स कराया है, उसके बाद संवाद कौशल की ट्रेनिंग कराया है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी चल रहा है, और XBIS चलाने के लिए एक्सरे मशीन चलाने के लिए अलग से कोर्स कराया है, और
NSG से कमांडो कोर्स भी करा के रखे हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी सुरक्षा होगी, जिसके लिए इसका प्लान भी बनाया जा चुका है। SSF के सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और इस पूरे परिसर की निगरानी के लिए एक मॉडर्न कंट्रोल रूम भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है।